बेईमानी इनके खून में है, हम जानते हैं, और हम शहीद परिवार से आते हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है कि चाय बेचने वाला का बच्चा अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो आंगनबाड़ी का बच्चा भी उससे उंगली उठा करके सवाल पूछ सकता है। यही बचाने के लिए बीमा चलाए हैं। अनुराग ठाकुर अपने बाप का नाम लेकर के नेता बन सकते हैं, लेकिन बाकी कोई दूसरा नहीं बन सकता। मतलब कांग्रेस पार्टी जब करती है तो परिवारवाद है, लेकिन वही जाकर के भाजपा में जब वो चीज होगा तो वो परिवारवाद नहीं है। आज एप्पल का दाम जो है लोगों को नहीं मिल रहा है, सेब के दाम नहीं मिल रहा है, लगातार माइग्रेशन हो रहा है और अनावश्यक रूप से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जाता है। मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश को क्या नहीं दिया? सबसे पहले तो इस प्रदेश को प्रदेश बनाया। डॉक्टर परमार जो है जब मुख्यमंत्री बने तो आप जान लीजिए सड़कें नहीं थी, और उनके बारे में कहा जाता है कि पूरा प्रदेश वो लगभग पैदल घूमे। है किसी की हिम्मत? कोई पैदल निकलेंगे? मौजूदा मुख्यमंत्री तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर नहीं निकलते हैं, चाहते हैं कि सारा कुछ जो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो जाए। वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के लोगों के हक और अधिकार के बारे में बात करना उनकी जिम्मेवारी है, और कांग्रेस पार्टी के बराबर पहले वो काम करना। 5 मेडिकल कॉलेज दिया है कांग्रेस पार्टी ने, IIT दिया है, IIIT बनाया है, सड़कें बनाई है, गाँव गाँव में जो है दूर संचार के लाइन पहुँचे हैं, गाँव गाँव में बिजली का तार पहुँचा है, सड़क पहुँची है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचा है, और जो कांग्रेस के समय की योजनाएं हैं उसका फीता काट रहे हैं। अटल टनल कब पास हुआ है? UPA के वक्त में पास हुआ है। ये चीजें आप मत जो हिमाचल प्रदेश की जनता है उनके बीच में लेकर के जाइए और उनको बताइए कि देवों की इस भूमि को कुछ शैतान लूटना चाहते हैं और देश का नाम लेकर के ये दोस्तों का काम कर रहे हैं। देश का काम कहाँ कर रहे हैं? ये दोस्त का काम कर रहे हैं। देश की सारी संपत्ति जो है अपने दोस्तों को बेच रहे हैं। तो प्रदेश का जो सवाल है उस पर हमको बात करनी चाहिए, और ये सिर्फ देवों की भूमि नहीं है, देवों की तो भूमि है ही, शहीदों की भी भूमि है। ये क्या कर रहे हैं शहीदों के साथ? मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 rank 1 pension अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया है? जो उनका पेंशन है उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, लगातार जो शहीद परिवारों की राशि है उसको कम किया जा रहा है। तो बेईमानी इनके खून में है, हम जानते हैं, और हम शहीद परिवार से आते हैं, हमको ये भी पता है जो हमारे साथ जो ये कैसे छल और कपट कर रहे हैं। आज हमारी लड़ाई इसी बात की है कि इस देश के लोकतंत्र की ताकत है कि चाय बेचने वाला का बच्चा अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो आंगनबाड़ी का बच्चा भी उससे उंगली उठा करके सवाल पूछ सकता है। यही बचाने के लिए बीमा चलाए हैं, और हमको पूरा भरोसा है कि शहीदों की इस भूमि, इस महान धरती के जो लोग हैं, इस साजिश को समझेंगे और कांग्रेस पार्टी को अपना मत दे करके जिताएंगे, ताकि हम लोग इस बात को कह सके कि उपचुनाव तो झांकी है, असली चुनाव बाकी है। आवाम अगर कह रही होती तो आपके इस सवाल को हम सीरियसली देते, BJP को हम सीरियसली ही नहीं। क्यों? क्योंकि BJP मेरी विरोधी पार्टी है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि हम हिमाचल आएंगे तो भाजपा के कार्यकर्ता ABBP आकर के मेरा RT उतारने लगेंगे। विरोधी का तो लोग विरोध ही करता है ना, लेकिन दिक्कत यह है ना कि उस विरोध में तर्क नहीं है। अब मान लीजिए अगर उनके तर्क को हम सही मान लें, जिसका मतलब वो कह रहे हैं कि अमित शाह नकारा है, कोई काम का नहीं है, उसको गृहमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। गृहमंत्री क्या कर रहा है? हम गृहमंत्री, क्या शुक्ला जी गृहमंत्री है? कांग्रेस पार्टी का गृहमंत्री है, किसका गृहमंत्री? प्रधानमंत्री किस पार्टी का है? तो कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस करेगी ना। इनके पास मालूम है कि इसका कोई आधार नहीं है। सोशल मीडिया पे लिखने में पैसा थोड़ी लगता है, कुछ भी लिख दीजिए। ये अपने नेता से सीखे हैं। इनका नेता जो है बात बनाता है, 15 lakh rupees आपके खाते में देंगे, हर साल 2 crore नौकरी देंगे, तो इनके कार्यकर्ता भी अब बात बनाने लगे। उनसे पूछिए कि आपका तर्क क्या है, आधार क्या है? कोई आधार नहीं, किसी आधार पे वो कुछ बोलते नहीं। अब ये बात उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि ये पत्रकार जब उनसे बात करने आए हैं तो इस गैर जरूरी मुद्दे पे बात कर, कौन क्या है इससे हिमाचल प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला। ये चुनाव हिमाचल प्रदेश की जनता के हक और अधिकार के लिए हो रहा है। कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं, शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, इस पे नहीं होगा। इस पे होगा कि सुजान सिंह पठानिया साहब ने जो इतने सालों तक इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की सेवा की, उस सेवा का फल उनके बच्चे को मिलेगा कि नहीं, इस पर उन्होंने एक पॉलिटिकल क्वेश्चन उठाया है। लेकिन उसमें बेईमानी है। बेईमानी क्या है कि अनुराग ठाकुर अपने बाप का नाम लेकर के नेता बन सकते हैं, लेकिन बाकी कोई दूसरा नहीं बन सकता। मतलब कांग्रेस पार्टी जब करती है तो परिवारवाद है, लेकिन वही जाकर के भाजपा में जब वो चीज होगा तो वो परिवारवाद नहीं है। काहे भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो परिवारवाद था,
आज भाजपा में चले गए, क्या हो गया है? संघ परिवारवाद हो गया है। कौन सा परिवारवाद? इस सच्चाई को आप लोगों के बीच में लेकर के जाइए और हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज भी आप विपक्ष से सवाल पूछ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हैं? कोई सवाल पूछ रहा है? सवाल पूछता है अभिनेता कि आम कैसे खाते हैं। अरे साहब, आम से नहीं, आम लोगों का सवाल पूछना चाहिए। आम लोगों का जीवन कैसे चल रहा है? 200 रुपए किलो जो है सरसों तेल बिक रहा है, 100 रुपए लीटर जो है पेट्रोल बिक रहा है, तो मोदी जी की माया अपरंपार, पेट्रोल 100 पार और सरसों तेल 200 पार। ये सवाल है। सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को वो वादा करके गए थे कि सेब का सही दाम मिलेगा। आप पूरे राज्य में कवर करते हैं, घूमते हैं, ठीक है, बिहार तो चलिए है, वहाँ पे समस्या है, लेकिन हिमाचल जो एक विकसित राज्य है, तो वहाँ फसल जो लोग उपजा रहे हैं, जो एप्पल के जो है व्यापारी हैं, एप्पल मोबाइल रखने वाला जो है, एप्पल जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। अंग्रेजों के राज में देश के एक से एक वीर जो है अपनी कुर्बानी दिए, ये अंग्रेजों की जासूसी करते थे, आज देश की सत्ता पे बैठे हैं, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं, है दम तो ले चले। जेल एक बड़ी संस्था है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वजह क्या है कि राजनीति का एक केंद्र वो जेल बन गया? क्योंकि आप निकले, वजह आपके सामने है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण आपके सामने है। वजह यही है कि हम तार्किक तरीके से सत्ता से सवाल पूछते हैं, और ये काम एक्चुअली हमारा नहीं था, माफ कीजिएगा, ये काम आपका था। ये काम जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में काम करने वाले जो लोग हैं उनका था, लेकिन वो जब दिन रात मोदी नाम केवलम कर रहे हैं ना, तो उस वक्त में आम नागरिक का यह जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए चौथा स्तंभ की का भी जो कार्रवाई है उसको अपने हाथों में ले। हम सवाल पूछ रहे हैं, तीखे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इनका जवाब इनके पास नहीं है, लेकिन देश की 135 करोड़ जनता ने जो इनको अधिकार दिया है, देश की सत्ता पे बिठाया है, इनको ये याद दिलाना जरूरी है कि जनता अगर ऊपर उठा सकती है तो जमीन पर। कहीं आपसे सवाल है, सत्ता में बैठे हुए लोग जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। अंग्रेजों के राज में देश के एक से एक वीर जो है अपनी कुर्बानी दिए, ये अंग्रेजों की जासूसी करते थे, आज देश की सत्ता पे बैठे हैं, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं, है दम तो ले चले। जेल में बड़ी संस्था क्यों नहीं है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वजह क्या है कि राजनीति का एक केंद्र वो जेल बन गया? क्योंकि आप निकले, वजह आपके सामने है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण आपके सामने है। वजह यही है कि हम तार्किक तरीके से सत्ता से सवाल पूछते हैं, और ये काम एक्चुअली हमारा नहीं था, माफ कीजिएगा, ये काम आपका था। ये काम जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में काम करने वाले जो लोग हैं उनका था, लेकिन वो जब दिन रात मोदी नाम केवलम कर रहे हैं ना, तो उस वक्त में आम नागरिक का यह जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए चौथा स्तंभ की का भी जो कार्रवाई है उसको अपने हाथों में ले। हम सवाल पूछ रहे हैं, तीखे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इनका जवाब इनके पास नहीं है, लेकिन देश की 135 करोड़ जनता ने जो इनको अधिकार दिया है, देश की सत्ता पे बिठाया है, इनको ये याद दिलाना जरूरी है कि जनता अगर ऊपर उठा सकती है तो जमीन पर। कहीं आपसे सवाल है, डिओड्रेंट एक बार बोतल से निकल जाता है तो वापस नहीं जाता है। एक बार जब लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिल गए हैं ना, कोई माई का लाल इसको छीन नहीं सकता है। देश व्यक्ति से और पार्टी से बड़ा होता है, और देश देश के लोगों से बनता है, और देश के लोगों को यह अधिकार है कि अपना नेता वो चुनेंगे। किसी भी नेता को अगर ये भ्रम हो गया है कि उससे ही सत्ता शुरू होती है और उससे सत्ता खत्म होता है, तो सत्ता के सहारदार का अनुभव होता है। इफ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़, प्लीज क्लिक द बेल आइकन।